आपकी अनुमति से मैं सदन के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं और मैं आग्रह भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। आपकी आज्ञा हो तो प्रस्ताव। जी जी जी। ये सदन जम्मू कश्मीर संबंधी धारा 370 को समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों का आभार प्रकट करता है। इसमें मैं थोड़ा एक संशोधन करता हूँ कि हम दोनों सदनों की जगह भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। इसको संशोधन कर लिया जाए। जो डॉक्यूमेंट अभी हमको मिला है, जो डॉक्यूमेंट मिला है उसको मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना जारी हुई है आज की तारीख में, नई दिल्ली 5 अगस्त 2019। शीर्षक है, राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। संविधान एक्ट में जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 2019। संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं। इस आदेश का नाम संविधान ब्रैकेट जम्मू और कश्मीर पर लागू ब्रैकेट बंद आदेश 2019 है। यह तुरंत प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय समय पर तथा यह संशोधित संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 का अधिक्रमण होगा। समय समय पर यथा संशोधित संविधान के संबंध सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और संशोधनों आशोधनों के अधीन लागू होंगे वे निम्न प्रकार हैं। अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा। पहला, संविधान जहां तक जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू है के प्रयोजनों के लिए का ये संविधान तथा इसके उपबंधों के निर्देशों को उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके संबंधों का निर्देश माना जाएगा। ख, जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर रियासत जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं के रूप में तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है उनके निर्देशों को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा। ग, उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा तथा इस संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रंतुक में खंड 2 में उल्लेखित राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से ये 370 का ये संशोधन है।